नमस्कार आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन आज का वीडियो जो है हम बनाने वाले हैं बहुत बेसिक सा स्लीवलेस कुर्ता स्ट्रेट काफी टाइम हो गया था मैंने स्ट्रेट कुर्ता नहीं पहना था तो मैंने सोचा राखी इज द बेस्ट फेस्टिवल और ओकेजन टू वेयर इट तो जैसे कि आपने देखा थंबनेल में जो कुर्ता है वो एक स्लीवलेस कुर्ता है उसमें मैंने लगाई है पाइपिंग

बहुत ही बेसिक सी ड्राफ्टिंग है इसके बाद हम इसको एक और फोल्ड कर देंगे ताकि हम फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ निकाल पाएँ तो ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं रख लूँगी अपने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं हमारा जो पहला स्टेप है वो यही होता है हर हाँ ड्रेस में अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ना टू इंच का मार्जिन ले, ले लेंगे टू इंच पे आप मार्क कर देंगे इस टाइप से एंड यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हम इतना जो मार्जिन है वो फोल्ड कर पाए अब देखिए जो भी हमारे कुर्ते की लेंथ है मेरे जो कुर्ते की लेंथ है वो है फोर्टी सिक्स इंच आपका जो भी लेंथ हो आप एग्जैक्ट उतना ही रखिएगा यहाँ पर क्योंकि आ, जो ये अस्तर है ये तो ऑलरेडी फोल्ड हो जाना है अब देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया इसके बाद हमें क्या करना है ऑलमोस्ट जो हमारा टॉप पार्ट है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का जो है मार्जिन बचा हुआ है अब हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे मैंने लिया हाफ ऑफ शोल्डर जो कि मेरा है एट इंच आपका जितना है आप उतना रखिएगा इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है एट इंच बॉटम पे मार्क कर लिया है इसमें हम शोल्डर डाउन नहीं करेंगे इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमको यहाँ पे ना जो हमारी कमर का पॉइंट होता है ना मतलब तो जहाँ हमारी कमर का कर्व होता है मेरा सिक्सटीन पे सबका डिफरेंट होता है तो वहाँ पे मैंने मार्क किया है अब जहाँ से मुझे स्लिट ओपन चाहिए वो मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ पे मैं ना इस प्रकार से पैरेलल लाइंस तीन लाइंस ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमें इससे फिटिंग की जो माप है वो अच्छे से हो अब देखिए यहाँ पे एट इंच था हमारा शोल्डर वही एट इंच मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और इस प्रकार से कुछ डाउनवर्ड्स में एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है अब मुझे क्या करना है यहां पे जो नेक का ब्रॉडनेस है हाफ वो रहेगा थ्री एंड हाफ इंच ये देखिए इसके बाद हम लेंगे जितनी भी आपको स्ट्रैप चाहिए मुझे यहाँ पे जो बनी हुई स्ट्रैप चाहिए वो दो इंच की चाहिए इसमें पाइपिंग लग रही है इसलिए हम एग्जैक्ट दो ही लेंगे अगर आप पट्टी पलट रहे तो ढाई लीजिएगा और बस इस प्रकार से हम यहाँ पे आर्म होल बना देंगे बहुत ही सिंपल है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है अब देखिए यहाँ से मैं ये करूँगी वन फोर्थ ऑफ चेस्ट कौन सा वाला जो हमारा मिड चेस्ट होता है एग्जैक्ट हमारा चेस्ट का राउंड वो लेंगे क्योंकि मेरा अपर चेस्ट फोर्टी टू है अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे नाइन पॉइंट फाइव जो कि वन फोर्थ ऑफ वेस्ट है और उसके बाद दो इंच मैंने मार्जिन लिया यहाँ पे मैंने इलेवन इंच ले लिया वन फोर्थ ऑफ हिप आपका जितना है आप उतना लीजिएगा और उसके साथ यहाँ पे मार्जिन हो गया अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे जितना हमारा हिप राउंड है उसमें हम टू एंड हाफ इंच ऐड कर देंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी फोर्टीन पॉइंट फाइव इंच पे मार्क कर लूँगी हमको एकदम स्ट्रेट नहीं रखना है अगर आप एकदम स्ट्रेट रखोगे ना तो फ्रंट से ये कुर्ते बहुत बुरे लगते हैं इसलिए हल्का सा उसे ए लाइन हमेशा रखना अब देखिए यहाँ पर मैंने स्केल लिया उसकी मदद से इस प्रकार से कुछ मैंने मार्क कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर जो है डाइगनली हम यहाँ पर ए लाइन शेप में स्लिट का मार्क कर लेंगे और ये देखिए मैं कुछ इस प्रकार से अपनी फिटिंग का भी मार्क कर लूंगी अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहां से आम होल नाप लेंगे तो एग्जैक्ट आम होल आ रहा है मेरा ट्वेंटी आना चाहिए वही आ रहा है अब ये जो पूरा ड्राफ्ट है हम इसे कट कर लेंगे यहाँ पे नाच लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि भाई हमारा नेक का ब्रॉडनेस यहाँ आएगा तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सा ड्राफ्ट था जो कि मैंने आपके सामने कट कर लिया है अब मैं यहाँ पर नोचेस लगा लूँगी ताकि मुझे पता चले मेजरमेंट के टाइम पर कि भाई कहाँ कहाँ हमें कौन से माप लगाना है तो ये हो गई हमारी डन ड्राफ्टिंग मेन जो हमारा अस्तर है उसकी अब आता है मेन फैब्रिक अब देखिए ये जो फैब्रिक है ना ये डायरेक्शनल है मतलब इसमें जो कुछ बूटे हैं वो सिर्फ ऊपर के साइड ही जाने वाले हैं ये देखिए तो अब मैं क्या करूँगी ये पूरा ढाई मीटर कपड़ा है इसको बीस से दो टुकड़ों में डिवाइड कर लूँगी और आपको ये प्रोसेस चाहे कॉटन हो चाहे सिल्क हो कोई भी फैब्रिक हो सब में यही करना है तो ये देखिए मैंने इसको इस प्रकार से दो लेयर अलग अलग कर ली अब इस कपड़े को मैं पलट लूंगी ताकि जो इसका डायरेक्शन है आगे और पीछे का पार्ट का दोनों एक ही जैसा हो तो ये देखिए मैंने इस प्रकार से रखा और यहाँ पे मैं इसको एक और फोल्ड कर लूंगी ये देखिए अच्छा जब भी आप कोई डिज़ाइनर वेयर बनाते हो या कभी भी कोई भी सिलाई करते हो ना हमेशा अगर इस टाइप के बूटे वाला कोई फैब्रिक है ना तो उसमें डिज़ाइंस का स्पेशली ध्यान रखिएगा अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से बिछाया उसके ऊपर अपना लाइनिंग रख लिया है और अब मैं क्या करूँगी लाइनिंग के बाद हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए इसको पूरा कट कर लूँगी और देखिए बॉटम से भी मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट वन एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है ताकि हम बाद में उसे फोल्ड कर पाए तो इस प्रकार से हमारा हो गया है ड्राफ्ट अब आती है नेक की बारी उसके लिए मैंने ले लिया है बकरम जो कि है फ्यूजबल अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगी मैं बैक नेक मेरा टेन इंच है वो मार्क कर लिया और उसके बाद मैं वन इंच का जो है पट्टी का वर्थ रखूंगी तो वन इंच कर लिया और यहाँ से इस प्रकार से उसको कट कर दूंगी वो क्यों किया आपको भी समझ आएगा अब देखिए अब आती है फ्रंट नेक की बारी तो एट इंच मेरा फ्रंट इन का जो है लेंथ है और उसके बाद यहाँ पे वन इंच एक्स्ट्रा तो नाइन इंच पे मैंने मार्क किया और कट कर लिया दोनों को हम इस प्रकार से रखेंगे अब देखिए जो हमारा वर्थ है नेक का वो थ्री एंड हाफ इंच है थ्री एंड हाफ इंच जो है वहाँ पे हम बॉटम पे साइड पे रख लेंगे और इसको हम इस प्रकार से एक स्क्वायर नेक इसमें फॉर्म कर लेंगे तो स्क्वायर नेक बनाने के बाद ये होगा कि जो भी शेप हमें बनाना है वो हम बना सकते हैं तो शिम, तो तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हम इस प्रकार से थोड़ा सा जो नेक है उसको ब्रॉड रखेंगे और ऊपर साइड से कंधे साइड से जो भी हमारा मार्जिन है उतना रखेंगे और देखिए मैंने इस तरीके से मार्क किया अब आगे पीछे दोनों का नेक सेम बने इसलिए मैं दोनों को साथ में रख के कट कर लूँगी है ना ये सबसे इजी ट्रिक तो आप भी इस प्रकार से दोनों नेक बना सकते हो हाँ अगर आपका नेक का शेप डिफरेंट है आगे पीछे तो फिर आपको अलग ही कट करना पड़ेगा तो ये देखिए दोनों नेक्स हो गए हैं अब आती है सिलाई की बारी सिलाई का जो है बहुत ही सिंपल सा तरीका है सबसे पहले हम जो अस्तर है हमारा लाइनिंग उसको फोल्ड कर लेंगे जितना भी हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था उतना आपको फोल्ड कर लेना है ये देखिए तो यहाँ से हम यहाँ पे इसमें जो है स्टिच करना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वीडियो की वो मैं फास्ट कर दे रही हूँ क्योंकि एक सिंपल सी सीधी सीधी सिलाई लगाई है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो अस्तर है उसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है और सबसे पहला प्रोसेस यही करिएगा अगर आप अस्तर भूल गए ना तो फिर बाद में आपको फिर खोलना पड़ेगा करना पड़ेगा तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक रखा उसके ऊपर अपना अस्तर जो है वो रखा इस प्रकार से इसमें अब हम पिंस लगा लेंगे ठीक है आपको अगर पिन से ज़्यादा अच्छे से संभल नहीं पाता है तो आप इसमें कच्ची सिलाई भी हाथ से कर सकते हो बहुत लोग करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने पिन लगा लिया है सिर्फ स्लिट तक स्लिट के बाद हम इसको पूरा का पूरा ऐसे ही छोड़ देंगे अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे टॉप सीम लगाएंगे और जो लाइनिंग है उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे और सिर्फ कहाँ तक करना है जहाँ तक हमारी स्लिट ओपनिंग का नॉच है तो ये देखिए इस प्रकार से किया हमने अब इसके बाद मैं इसमें आयरन कर लूँगी जो कि मैं कर चुकी हूँ अब देखिए नेक कैसा करना है यूजुअली हम फ्रंट ऊपर रखते हैं और नेक को अंदर साइड पलट देते हैं लेकिन इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे तो यहाँ पे जो नेक है वो मैं सीधा सीधा रख दूँगी अपने अस्तर के ऊपर कुछ इस प्रकार से सेंटर से सेंटर में ला कर और इसमें मैं आप पिन अप कर लूँगी तीन चार पिने लगा लूँगी क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसल रहा था बनाते समय तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हुआ और यहाँ पे जो है हम एक टॉप सीम से पूरा का पूरा नेक जो है वो स्टिच कर लेंगे ये देखिए ये हुआ फ्रंट नेक अभी बन रहा है सेम टू सेम तरीके से हम बैक का भी नेक बना लेंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही नेक दिखाऊंगी ये देखिए इसको एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको शेप इसका लेते जाना है ये देखिए ये हो गया पूरा का पूरा नेक हमारा जॉइंट अब इसको हम क्या करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे और इतना मार्जिन रखेंगे कि भाई हमारी जो सिलाई है वो कट ना हो तो बिल्कुल पॉइंट टू फाइव से भी कम आपको मार्जिन यहाँ पे रखना है पाइपिंग के लिए तो कुछ इस प्रकार से हमने जो है नेक को स्टिच कर लिया है ये देखिए हमारा मेन साइड इस प्रकार का दिख रहा है ये देखिए अब मैं आपको इसमें बताती हूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है तो ये देखिए हमने पूरा नेक जो है उसको तो स्टिप कर लिया है इसमें अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीजर रख दूँगी क्योंकि ये कपड़ा बहुत फिसल रहा था एज़ आई सेड अब देखिए इसमें हम ना साइड डार्ट लगाएंगे तो मिट से हमको यहाँ पे इस प्रकार से मार्क करना है थ्री इंच का साइड डार्ट आप अगर नहीं चाहें तो ये कंपलसरी नहीं है नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा बट जब भी आप इस प्रकार कोई सा, साइड डार्ट लगाते हो बैक डार्ट लगाते हो इससे फिटिंग जो है ना वो और अच्छी आ जाती है बहुत लोगों को आम होल में झोल की दिक्कत होती है वो इससे एकदम ख़त्म हो जाएगी और जिसके भी जो चेस्ट साइज़ है मिड चेस्ट साइज ज़्यादा है राधा देन अपर चेस्ट के उनको भी ऐसा करना चाहिए तो देखिए इस टाइप से मैं रखूँगी और यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे डार्ट में सिलाई लगा लूँगी मतलब दोनों डार्ट्स को बना लूँगी तो ये रख लिया यहाँ पे मैंने इस टाइप से और इसको अब इसको बढ़िया बारीक सी हम ना स्टिचिंग कर देंगे ये देखिए और जो डार्ट का ये एंड वाला ब्रॉडनेस रहेगा वो हाफ इंच का रहेगा तो ये रन है सेम तरीके से जो दूसरा वाला डार्ट है हम उसको भी स्टिच कर लेंगे ये देखिए यूजली जब हम स्लीव्स वाला बनाते हैं ना तो फिटिंग के बाद हम डांट डालते हैं लेकिन ये स्लीवलेस है इसमें हम इसमें ना सबसे पहले डाट डाल देंगे ये देखिए ये हो गया हमारा डाट अब हम इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप अब आपको बताते हैं हम इसमें शोल्डर जॉइन करेंगे फ्रंट एंड बैक के तो बैक भी मैंने सेम तरीके से बना लिया था अफकोर्स बैक में हमने जो साइड डांट है वो नहीं डाले हैं तो अब देखिए इसके जो शोल्डर्स हैं वो हम ज्वाइन कर लेंगे दोनों शोल्डर ज्वाइन नहीं करना है कोई भी एक शोल्डर आप ज्वाइन कर सकते हो ये देखिए ये हो गया ये वाला जो शोल्डर है ना इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसमें लगाना है पाइपिंग और पाइपिंग मैंने जो है आपको लास्ट टाइम बताया था ये देखिए उरे पट्टी हमने कट कर ली है यहाँ पे बायस पट्टी जिसको हम कहते हैं अब इसको हम क्या करेंगे फोल्ड करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे हम ना इसको सिल देंगे पूरे के पूरे नेक में जो हमने एक शोल्डर ओपन रखा है वहाँ से दूसरा जो शोल्डर ओपन है वहाँ तक तो ये देखिए हमने अब इसको स्टिच करना स्टार्ट किया अच्छा अब क्या करना है जब भी आप पाइपिंग के लिए पट्टी को स्टिच करते हो नेक से तो आपको पट्टी को हल्का सा ना खींचना है मतलब इसको थोड़ा सा टाइटनेस देनी ही पड़ेगी तभी जो नेक है ना वो प्रॉपरली बैठेगा ये देखिए जहाँ पे राउंड आता है वहाँ पे बहुत नहीं खींचना है नहीं तो ना बहुत ज़्यादा सल हो जाएगा या फिर अगर आप ब्रॉड राउंड नेक बना रहे हो तो वो नैरो बन जाएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे पट्टी को स्टिच करते हुए जाएंगे अब यहाँ पे हम जो स्पीड है उसको थोड़ी सी तेज़ कर देंगे फास्ट कर देंगे अब देखिए शोल्डर वाला हिस्सा गया यहाँ पे हमको ना जो पट्टी है उसको अच्छे से स्ट्रेच करना है और ये देखिए ये हमारी पट्टी जो है स्टिच हो गई है अब ये देखिए जो इसमें एक्स्ट्रा ऐसे धागे वगैरह निकल रहे हैं वो सब हम अच्छे से कट कर लेंगे अब देखिए ये जो शोल्डर है ना शोल्डर की पट्टी है और इस शोल्डर की पट्टी है उसकी जो सिलाई है वो हमको बहुत फिनिशिंग के साथ मिलाना है एकदम एक से एक मिला के और उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करना है वो इसलिए मिलाना है क्योंकि हम इसमें लगा रहे हैं पाइपिन अगर एक भी पट्टी ऊपर नीचे हुई तो पूरी पाइप इन का जो शो है शोल्डर पे वो बिगड़ जाएगा तो ये देखिए ये शोल्डर जो बचा हुआ था दूसरा वो हमने ज्वाइन कर लिया है अब हम इसमें क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और देखिए एकदम बराबर बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट आया है हमारा शोल्डर यही हमें चाहिए था अब देखिए जो पाइपिंग है उसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और जितनी भी मोटी आपको पाइपिंग का शेप चाहिए प्रॉपर उतनी मोटी पे आप इस प्रकार से इसमें ना टॉप सीम लगा देंगे इसके बाद जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ तो ये देखिए रखा मैंने इसमें अच्छे से और इसमें हम ना टॉप लगाएंगे टॉप ऐसे लगाना है कि आपको पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है सिलाई पाइपिंग और बॉडी जो हमारा नेक है उसके बीच में जो एक सिलाई वाली लाइन है उसके ऊपर हमको करनी है टॉप सीम एकदम बारीक टॉप सीम तो ये देखिए मैं आपको इस साइड से फ्रंट व्यू दिखा देती हूँ पूरी कोशिश किए कि आपको अच्छे से समझ में आए और ये बिना धागे वाली पाइपिंग है अगर आपके पास धागा अवेलेबल हो तो आप वाली पाइपिंग बना सकते हैं मुझे यहाँ पे धागा मिल नहीं पा रहा है इसलिए जैसे ही मुझे कहीं से धागा मिल जाएगा मैं आपको धागे वाली पाइपिंग भी ज़रूर से बताऊँगी एनीवे anyway, ये देखिए इस प्रकार से मुझे एकदम बारीक चाहिए थी पाइपिंग तो मैंने इस प्रकार से रखा और इसमें अब हम टॉप सीम देते जाएंगे ये देखिए मैं अब आपको इसका लुक भी दिखा देती हूँ ये फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक देखिए कितना फिनिशिंग है और चाहेंगे तो हम इसमें बाद में ना जो है तुरपाई कर सकते हैं यहाँ पे दोनों पट्टियों में तो ये और अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाएगा अब देखिए कुछ इस प्रकार से हम करते रहेंगे हमारी पाइपिंग का काम ये देखिए आ गया शोल्डर यहाँ पे आपको एकदम ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटा ना हो और जो हमारा कपड़ा है वो नहीं तो फिनिशिंग बहुत ख़राब आएगी तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो नेक है जो नेक की पाइपिंग है वो हो गई है रेडी ये देखिए इसके बाद मैं इसमें ना आयरन कर लूँगी तो ये और अच्छे से नेक बैठेगा अब इसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारा आम होल है वो फिनिश करेंगे बहुत ज़ाहिर सी बात है सेम तरीके से करेंगे पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक आम होल पे नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैंने आपने दिखाया ही नहीं कैसे आपने आम होल को फिनिश किया तो देखिए वही जो रेफ पट्टी थी उसी को मैं इस प्रकार से फोल्ड करके लगा दूंगी और जब हम यहाँ पे शोल्डर वाले हिस्से पे आएंगे तो आपको पाइपिंग की जो पट्टी है उसको स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच इतना नहीं करना है कि वहाँ पे बिल्कुल पखरिंग सा आने लगे इतना कि आपके शोल्डर पे अच्छे से जो हमारे सूट के शोल्डर हैं वो बैठें ऐसा नहीं हो कि वो नीचे के साइड उतर जाएं सो so, इस टाइप से हमने हमारी जो रेव पट्टी है पाइपिंग की उसको लगा दी है और यहाँ पे जैसे हमने नेक में पाइपिंग का शेप दिया है वैसे के वैसे सेम टू सेम आम होल पे भी दे देंगे और सेम टू सेम तरीके से जो दूसरा वाला आम होल है ना इस कुर्ते का वो मैं फिनिश कर लूँगी ऑन कैमरा नहीं दिखाऊँगी जब सीधा बना लूँगी उसके बाद ही दिखाऊँगी तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो आम होल है वो फिनिश होता है ये हो गया है फिनिश हमारा अमूल ये देखिए अभी क्या इसमें प्रेस कर देंगे ना तो ये और सुंदर दिखेगा ये देखिए दिखे, आफ्टर आयरनिंग देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है कितनी फिनिशिंग से हमारी बुरी की बुरी पाइपिंग आई है अब हमें क्या करना है फिटिंग तो मैंने इस प्रकार से एक के ऊपर एक रखा इसमें पिंस लगा दी हैं अब देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला जो है सेंटर पार्ट है क्योंकि आपको क्रीज देख ही रही होगी जो एक साइड है उसमें तो आप देख ही रहे हो ऑलरेडी निशान लगा हुआ है दूसरे साइड पे हम निशान लगा लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हम वही करेंगे हाफ़ ऑफ़ चेस्ट राउंड और थोड़ा बहुत अगर आपको लूजनेस रखना है तो आप उसमें पॉइंट एक्स्ट्रा रख सकते हो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हाफ ऑफ वेस्ट राउंड मार्क कर लेंगे ये देखिए ये तो ऑलरेडी मार्क है उसको बस थोड़ा गाढ़ा कर देते तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा ये देखिए यहाँ पे हो गया हाफ ऑफ वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ हिप राउंड तो ये हो गया ट्वेंटी टू पे मार्क और यहाँ पे जो है हम अपने हिसाब से शेप दे देंगे फिटिंग का ये हो गया हमारा हिप तक ये देखिए अब हम इसमें फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए सिंपल सी बात है हमारे पास ऑलरेडी मार्क है ही तो इसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा करना नहीं है जो हमने मार्क लगाया उसी के ऊपर हमको सिलाई करते जाना है ये देखिए जो भी शेप हमने दिया है उस शेप में अब यहाँ पे आती है स्लिट की बारी तो हम यहाँ पर इसको सिलाई को जो है काफ़ी अच्छे से लॉक करेंगे ताकि जब हम पहने उतारे कपड़े तो वो फटे ना स्लिट जो है वो अब देखिए पिंस निकाल दिए मैंने हम डायरेक्शन चेंज करेंगे फिटिंग की और ये जो हम ऑलरेडी एक सिलाई लगा चुके हैं उसके अप्रॉक्सीमेट पॉइंट टू फाइव इंच के बाद हम एक और सिलाई लगा देंगे ताकि अगर हमको ये टाइट होता है तो हम इसे लूज कर पाए ये देखिए सेम तरीके से हम जो दूसरा साइड है वहाँ ये लगा चुके हैं फिटिंग ये देखिए अब हम इसमें आयरन कर लेंगे आपको पता ही है आयरन इज़ मस्ट वेन एवर यू आर डूइंग स्टिचिंग और मेकिंग एनी ड्रेस तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे मैंने ना इसमें इंटरलॉक कर लिया है इसको स्प्लिट कर दूंगी जो मार्जिन है उसको क्योंकि ये है काफ़ी मोटा कपड़ा अगर हम एक साथ रखेंगे ना तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी तो जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसा करिए किसी भी मोटे फैब्रिक के साथ अब देखिए ये हो गया हमारा फिटिंग वाला हिस्सा दोनों साइड का हमने अच्छे से आयरन कर लिया है तो इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ गई है अब फाइनली इसको इस प्रकार से टॉप पार्ट से हम इसमें जो है आयरन कर लेंगे अब आती है बारी स्लिट की तो देखिए स्लिट को हमको इस प्रकार से करना है कि हमने रखा फैब्रिक उसके बाद प्रेस किया और स्लिट हमें जितनी भी ब्रॉड मोड़नी है आप उतनी ब्रॉड मोड़ सकते हो मुझे वैसे भी ब्रॉड जो स्लिट हैं वो काफ़ी पसंद है एक इंच कम से कम तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसको फ़ोल्ड करके सबसे पहले तो आयरन कर लिया और ये सबसे इजी तरीका है स्लिट बनाने का देखिए अच्छे से लाइनिंग मेक श्योर sure की कि अच्छे से है कि नहीं इसके बाद हम इसमें एक और फोल्ड कर देंगे और अब हम इसमें जो है आयरन करेंगे और इसमें पिन्स लगा देंगे इस प्रकार की जो स्लिट्स होती है ना वो बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है और मुझे पर्सनली थोड़ी ब्रॉड वाली स्लिट पसंद है इसलिए मैं ये बनाती हूँ अगर आपको नहीं पसंद आप बारीक वाली स्लिट भी बना सकते हो तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी स्लिट जो है रेडी हो गई है अब हमको सिर्फ इसमें एक टॉप सीम लगाना है टॉप सीम भी आपको लगा के बता देते हैं तो देखिए ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से स्टिच करना और एकदम बारीक स्टिचिंग करेंगे आपके पास टाइम हो तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो मेरे पास इतना टाइम था नहीं और इसमें इतना सारा प्रिंट था कि ये जो सिलाई लग गई उसकी बात भी समझ नहीं आया हमको सिलाई तो देखिए इस प्रकार से हमारी जो स्लिट है वो फिनिश होती जाएगी और जब भी अभी हम कॉर्ने कॉर्नर पे आएंगे जहाँ हमारा स्लिट है ये देखिए स्लिट पे वहाँ पे हम आत्मान साहब को बताते हैं कि हमने इस प्रकार से लिया इनका डायरेक्शन चेंज किया अब हम यहाँ पे इस प्रकार से ना लॉक करेंगे जो हमारी स्टिचिंग है उसको अब फिर से हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे सारी जो पिन है उनको सबको निकाल देंगे और यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको टॉप सिम लगा के जो स्लिट है उसको फिनिश कर लेंगे सेम टू सेम तरीके से दूसरी वाली जो स्लिट है वो भी फिनिश हो जाएगी ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो स्लिट है वो फिनिश हो गई है ये देखिए ये हो गया है हमारा एक साइड सेम तरीके से जो दूसरे साइड की स्लेट है वो भी मैं फिनिश कर लूंगी ऑन कैमरा नहीं बताऊंगी ये हो गई है फिनिश दोनों स्लेट्स अब देखिए मैंने आम होल के पास से दोनों को अच्छे से रखा मेजर किया कि कोई स्लिट ऊपर नीचे तो नहीं है अगर होती तो मैं फिर से कर लेती उसको सही एकदम इक्वल है और मैंने देखिए ये जो स्लिट है उनको अच्छे से नाप लिया कोई स्लिट ऊपर नीचे तो नहीं है तो अब यहाँ पे भी एकदम बराबर है अब इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगी अप्रोक्सीमेट वन इंच पे ना मार्क कर दूँगी ताकि हम उतना ही फोल्ड कर पाएँ और हमारे जो चारों कोने हैं वो इक्वल हों तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने किया यहाँ पे मार्क और उसके बाद ऑलमोस्ट वन एंड हाफ इंच जो है अंदर साइड पे इसको फोल्ड कर देंगे जिससे कि जो हमारे कुर्ते का दामन है वो हमें मिल जाएगा तो ये देखिए इस प्रकार से जो हमारा कुर्ते का दामन है वो फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट आप चाहें तो इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हैं इट्स अप टू यू मुझे बहुत ही प्लेन सा कुर्ता चाहिए था तो ये मैंने बनाया अब देखिए ये हो गया है हमारा लास्ट एंड सेम तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट है दामन वो भी हम फिनिश कर लेंगे ये देखिए अब ये जो साइड में थोड़ा सा ओपन रहता है ना उसको भी हम क्लोज कर देंगे ये हो गया हमारा जो कुर्ता है वो रेडी इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको ये देखिए इसका फाइनल लुक कितने अच्छे से नेक बैठा है और मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगा मैंने राखी के दिन उसको दो से तीन घंटे पहना और बहुत कंफर्टेबल सूट था ये जैसे कि आप देख ही सकते हो और ये जो सूट है ये गिफ्टेड था नामिका की मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था तो मुझे बहुत प्रिटी लगा ये सूट एंड अब आप मुझे बताइए कि आपको ये सूट कैसा लगा इसकी प्रोसेस कैसी लगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग